मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की सब्जी, तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, और सबसे पहले हम लोग गाजर को फ्राई करेंगे। अब ये हमारा गाजर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें गोटा जीरा, दो तेज पत्ते डालेंगे, इसे भून लेंगे। जब ये अच्छे से लाल हो जाए, तब इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। अब इसमें कटा हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन डालकर भून लेंगे और इसे अच्छे से लाल करेंगे। हमारा प्याज लाल हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हम इसे अच्छे से भून देंगे। अब टमाटर अच्छे से पक जाए तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमारे टमाटर गल गए हैं अच्छे से, अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। हमारे रोजमर्रा के मसाले, धनिया, जीरा, गुलकी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला सारे ऐड कर दिए हमने। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से ब्राउन करके भून लेते हैं। हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें मटर डाल देते हैं, इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब ये अच्छा सा भुन गया, अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। इसे भी हम मिला देते हैं। हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। वैसे तो लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि सब्जी में खौल भी जल्दी आ जाता है और सब्जी का स्वाद भी बना रहता है। तो मैं आप लोग से भी कहूँगी कि आप लोग भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। सब्जी बनकर तैयार हो गई, आप लोग बनाएं और खाएं, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।